कर्क राशि वालों, साल निकल गया है 2019 और आखिरी महीना दिसंबर आने वाला है। मैं बताना चाहूँगी कि साल का अंत क्या देकर जाएगा, कैसा रहेगा आखिरी समय साल का, दिसंबर महीना। ग्रह गोचर क्या कहते हैं, आइए मैं आपको बताती हूँ। कर्क राशि वालों, आने वाला समय कैसा रहने वाला है इस बारे में जानने के लिए हर कोई इच्छुक होता है। मासिक राशिफल के माध्यम से आप अपने बारे में आने वाले कल की, बल्कि पूरे महीने के राशिफल के बारे में पता लगा सकते हैं। इसकी सहायता से आपको अपनी आने वाली चुनौतियों और किस दिशा में आपको बढ़ना है, लाइफ में क्या करना, जानकारी मिल जाएगी। तो आइए हम यहाँ बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की, जिनका आने वाला दिसंबर का महीना काफ़ी सुखद आने वाला है। भूतकाल में किए गए कार्यों का आपको अच्छा फल प्राप्त होने की संभावना है, लेकिन प्रेमी या प्रेमिका के साथ संबंध कुछ बिगड़ सकते हैं। इस माह में आप नई योजनाओं पर काम कर सकते हैं। जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन भी आ सकते हैं। घर परिवार में मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। अपनी इच्छाओं के अनुसार ही कार्यों को अंजाम देंगे, लेकिन दुश्मनों से सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। आपकी माता जी की सेहत कुछ बिगड़ सकती है। नौकरी वालों को व्यवसाय के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। दान पुण्य के कार्यों में मन ज़्यादा लगेगा। आर्थिक स्थिति, नए कार्यों में सफलता हासिल करनी होगी। बिजनेस पार्टनर की सहायता से व्यापार में कुछ सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। विदेश यात्रा का सुख प्राप्त होने वाला है, लेकिन जोखिम भरे कार्यों से बचें भी। हम यहाँ बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की, जिनका आने वाला दिसंबर का महीना काफ़ी सुखद आने वाला है। भूतकाल में किए गए कार्यों का आपको अच्छा फल प्राप्त होने की संभावना है, लेकिन प्रेमी या प्रेमिका के साथ संबंध कुछ बिगड़ सकते हैं। इस माह में आप नई योजनाओं पर काम कर सकते हैं। जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन भी आ सकते हैं। घर परिवार में मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। अपनी इच्छाओं के अनुसार ही कार्यों को अंजाम देंगे, लेकिन दुश्मनों से सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। आपकी माता जी की सेहत कुछ बिगड़ सकती है। नौकरी वालों को व्यवसाय के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। दान पुण्य के कार्यों में मन ज़्यादा लगेगा। आर्थिक स्थिति, नए कार्यों में सफलता हासिल करनी होगी। बिजनेस पार्टनर की सहायता से व्यापार में कुछ सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। विदेश यात्रा का सुख प्राप्त होने वाला है, लेकिन जोखिम भरे कार्यों से बचें भी। शिक्षा से जुड़े लोगों को उचित मान सम्मान मिलेगा। पदोन्नति के जबरदस्त योग बन रहे हैं। जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। वित्त मामलों में महिला पक्ष का कोई साथ मिलेगा। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक चंद्र की पूर्ण दृष्टि राशि में है। 3-4 तारीख को छोड़कर शेष समय सब प्रकार से अच्छा है। आय में इजाफा होगा। कार्यों में सफलता की प्राप्ति होगी। सभी ओर से सहयोग की प्राप्ति भी दिख रही है। परिवार अनुकूल बना रहेगा एवं स्वास्थ्य में सुधार होगा। संतान से भी सुख प्राप्ति होगी। योजना अंतर्गत सभी काम समय पर हो जाएंगे। शुभ सूचनाएं प्राप्त होने की संभावना है। नौकरी में भी लक्ष्य की प्राप्ति होगी। 11 से 20 दिसंबर 13 तक सभी कार्य संभल कर करें तो बेहतर होगा। क्रोध से नुकसान संभव है। गुस्से को शांत रखिए। 14 तारीख से समय का पक्ष आपके पक्ष में होगा। आय में सुधार होगा एवं काम में तेजी आएगी। विदेश जाने वालों को सफलता की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा एवं नौकरी में बदलाव का मन बनेगा। मेहमानों का आगमन हो सकता है। किसी की मदद करनी पड़ सकती है। 21 से 31 दिसंबर समय पूर्णता पक्ष का है। हर कार्य में सफलता एवं बेहतरीन आय के साधन प्राप्त होंगे। कार्य में तरक्की एवं व्यापार उत्तम रहेगा। भाग्य का साथ मिलेगा एवं प्रतिष्ठित लोगों से मिलने का मौका प्राप्त होगा। यात्रा पर जाने का मन होगा एवं मौका भी मिलेगा। धन की आवक माह के अंत में रुक सकती है। चिंता बढ़ेगी एवं इच्छित कार्यों में विलंब होगा। तो ये अंत का समय थोड़ा सा कठिन दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर पहले से तैयारियों में रहेंगे तो शायद यहाँ भी आपको अधिक कष्ट ना सहना पड़े। नौकरी के विषय में कहूँगी, जॉब में आपको सहकर्मियों और अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा। कोई प्रोजेक्ट आपके हाथ में होगा जो आप समय पर पूरा कर सकते हैं। आर्थिक पक्ष भी मजबूत दिखाई दे रहा है। व्यापार में आपको काफ़ी अच्छी सुविधाएँ मिल सकती हैं।
कोई मित्र आपके लिए कुछ अच्छा प्रस्ताव ला सकते हैं। आय बेहतर रहेगी, लाभ के मौके मिलेंगे, परिवार के साथ अच्छा समय गुजारेंगे। हालांकि व्यस्तता के चलते आपको कोई प्लानिंग पोस्टपोन करनी पड़ सकती है घूमने फिरने की, लेकिन परिवार आपको सहयोग प्रदान करेगा। सेहत के लिए समय बेहतरीन रहेगा, किसी तरह की समस्या नहीं होगी। सांस के रोगियों को भी राहत मिल सकती है, स्वास्थ्य में सुधार दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के लिए आप थोड़ा समय निकालेंगे, कोई अच्छी यात्रा की योजना भी बन सकती है। प्रेमियों के लिए अच्छा समय रहेगा, कोई आपको उपहार भी दे सकता है। संपत्ति के लिए समय सामान्य रहेगा, कुछ मामले आपको टालने पड़ सकते हैं। शिक्षा से जुड़े लोगों को उचित मान सम्मान मिलेगा, पदोन्नति के जबरदस्त योग बन रहे हैं, जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। वित्त मामलों में महिला पक्ष का कोई साथ मिलेगा। स्वास्थ्य की स्थिति, सर्दी जुकाम आपको परेशान कर सकता है, सेहत के साथ लापरवाही ना बरतें। सीने में जलन या दर्द होने की संभावना है, अपने डाइट और खान पान पर विशेष रूप से ध्यान रखिए। कर्क राशि वालों, प्रेम के मामले में इस माह में आप अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। विवाह पक्का होने की संभावना है, पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आएगी, घर परिवार का लव लाइफ में पूरा साथ मिलेगा, किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। किसी पुराने खास मित्र से फिर से नज़दीकियां बढ़ने के आसार हैं। दिसंबर के मध्य में प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। उपाय, भगवान शंकर जी की आराधना करना आपके लिए फलदायी रहेगा। सोमवार को सफ़ेद चीज़ों का दान करें, ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करने से भाग्य में वृद्धि होगी। आप सोमवार का व्रत भी रह सकते हैं, शिव जी के मंत्र का जाप करिए। किसी शिवलिंग पर गंगा जल मिलाकर पानी में अभिषेक करें, गरीबों को फल दान करें। उत्तम समय आपका इंतज़ार कर रहा है, कर्म अच्छे करिए, ईश्वर की आराधना करिए, साधना करिए। तो इसी के साथ ओम नमः शिवाय।